हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रश्मि सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? तो आप देख सकते हैं मैं अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ, इसका मतलब है और मैं कहीं जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हूँ मैं बताने जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मेरठ। मेरठ मेरे बुआ के लड़के की शादी एक्चुअली हो चुकी है, अभी रिसेप्शन है। तो जो शादी थी वो गाँव में थी, फिर हम अटेंड करने नहीं जा पाए थे क्योंकि गुग्गी के लिए फिर बहुत सारी छुट्टियाँ लेनी पड़ती। और यहाँ बस मेरठ जो है 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो रिसेप्शन में अटेंड करने जा रही हूँ। पहली जो है ना ट्रांसप्लांट के बाद वेडिंग फंक्शन है जो मैं अटेंड कर रही हूँ अपने फैमिली में। तो मैंने सोचा इस पे व्लॉग भी डाल दूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ट्रैवलिंग के दौरान मैं क्या प्रिकॉशन लेती हूँ। वैसे तो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग लाइक 1 से 1.5 आवर का ही था बस ये। बट मैं पूरा मास्क लगाई हुई थी और गई हुई थी, और रास्ते में भी कुछ ज़्यादा खाने वाने का नहीं था क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट करके ही चला था घर से। लाइट ब्रेकफास्ट, जैसे दूध पी लिया था और एप्पल खा लिया था बस। तो हम रास्ते में ही जा रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए ये व्लॉग डाल दूँ कि मैं जो आप लोग पूछते हो ना शादी में जाते हैं तो हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। तो मुझे लगा इससे बेटर ऑप्शन और नहीं मिलेगा क्योंकि फ़िलहाल तो मैं यही शादी अभी अटेंड कर रही हूँ। आगे का भी नहीं पता है क्या शादी अटेंड करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगी शूट करने के लिए सारा कुछ। मोस्ट प्रोबली फैमिली फंक्शन है तो हम ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं, बट मैं कोशिश करूँगी सारा कुछ शूट कर सकते। यहाँ देख सकते हैं गुग्गू और गुग्गू के पापा है जो आगे बैठे हुए हैं और ये लोग अपनी मस्ती में लगे हुए थे। गुग्गू के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि ट्रेन व्रेन देख रहा था तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा था। और यहाँ जो है हम पहुँच चुके हैं एक्चुअली घर पे। ये बुआ का घर है और ये सौरभ है मेरे बुआ का लड़का जिसकी शायद रिसेप्शन हो रही है अभी। ये तो हमारे पति देव, ये रहा वो। तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रही थी अच्छे से। फिर यहाँ से सारा सामान वामान निकाला जा रहा था और मैं गुग्गू जो है अंदर जा रहे थे, अंदर सारे लोग थे। तो बस हम घर के अंदर एंट्री ले चुके हैं और ये देखिए ये है अंदर का नज़ारा। तो देखते हैं कौन कौन है अंदर। यहाँ पे सारे लोग एक्चुअली बैठ के नाश्ता ही कर रहे थे, वो लोग भी जब मैं पहुँची और फिर मैंने सबके पैर वैर छुए। कुछ देर के लिए तो सब लोग सोच रहे थे ये कौन है कौन है, क्योंकि मैंने मास्क वास्क पूरा लगाया हुआ था और थोड़ा होता है ना फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं आपके ट्रांसप्लांट के बाद। तो बस ऐसे ही था, शायद कैमरे पर मेरा हाथ रखा हुआ था मुझे पता भी नहीं चला और मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पे भी छोले भटूरे चल रहे थे, सारे लोग खा रहे थे ब्रेकफास्ट में। और ये मेरी बुआ है, छोटी वाली बुआ है, मेरी दो बुआ हैं। तो ये मम्मी छोटी क्या वाली खा बुआ है, रही ये मेरी दीदी है। दीदी को तो आप लोग जानते दीदी? ही हो गए यूजुअली, क्योंकि भूख लग इन्होंने ही रही था जो तो। मैं इनके घर मैं बैठी अपने हुई था फ्रेंड्स वेलकम स्कूल किया के था। आर्टविक में और नहीं ये हूँ, देखिए, ये जिससे बीच में गुग्गू मौका मिलते ही ना मेरा फ़ोन उठा के घर में ये अपनी उसका व्लॉगिंग नाम करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने है एडिटिंग नहीं किया, मैंने काटा नहीं। फिर यहाँ जो है हम लोग भी ब्रेकफास्ट करने बैठ गए थे, तो मैंने एक भटूरा लिया हुआ था बस। भटूरा एक्चुअली बहुत ऑयली होता है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट के बाद मैं नहीं खा रही हूँ, मैं इससे पहले भी नहीं खाती थी इतना भटूरा। फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद से मैं जो हम ऊपर आ गए, यहाँ पे बालकनी बड़ी अच्छी व्यू लग रही थी ना, बाहर पूरा ग्रीनरी सा था। तो हम लोग यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे, मैं बुआ दीदी, यहाँ पर उनका झूला भी लगा हुआ था। तो बहुत मज़ा आ रहा था, हम लोग कुछ देर बातें की। फिर यहाँ शादी के लिए सब लोग रेडी हो गए थे, सॉरी रिसेप्शन के लिए शाम में सब लोग रेडी हो रहे थे। रेडी होने के बाद मैं जो है थोड़ा सा कैमरा घुमा रही थी इधर उधर सबकी तरफ, दिखा दो ये दूल्हा है और ये उनकी भाभी है दूल्हे की। अंदर सब लोग रेडी हो गए थे, दुल्हन अंदर है, दुल्हन की झलक मैं बाद में दिखाऊंगी। यहाँ दीदी भी रेडी हो गई थी और ये देखिए ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मेरा बताना आप लोग कॉस्ट्यूम कैसा लगा। मैंने ये साड़ी ली हुई थी, ये ऑफ वाइट में इवन बेज कलर में है साड़ी, तो मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने साड़ी ली थी। ये बुआ का घर है, घर भी पूरा डेकोरेट कर रखा था उन लोगों ने। अभी हमें फंक्शन जो था वो दूसरी जगह था, तो बस हम फंक्शन के लिए ही निकल रहे थे। तो यहाँ पे सारे लोग रेडी होके खड़े थे और ये है मेन एंट्री जहाँ से हमें जाना था अंदर। यहाँ पे भी सब लोग गाड़ी से उतर रहे हैं और यहाँ दीदी है, काफ़ी लोग आ भी रुक चुके थे। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन ऑलरेडी स्टेज पे बैठ गए थे, हम थोड़े देर में ही गए थे। यहाँ पे छोटू सा जो एक बच्चा है वो डांस कर रहा था नीचे फ्लोर पे, तो डीजी विजय सारा लगा हुआ था। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें शादी में। और मैंने सोचा कि अभी रिसेप्शन में इतना मज़ा आया था तो शादी में कितना मज़ा किया था, क्योंकि उसमें तो मम्मी पापा मेरे सारे लोग आ रखे थे उस टाइम, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था उस टाइम। तो मैं नहीं जा पाई थी,
शादी में। ये देख सकते हो, मैं ये ना स्नैक्स में बस एक मैंने आलू टिक्की लिया था। आलू टिक्की तो नॉर्मली हम खा लेते हैं, तो मैंने आलू टिक्की छोले लिए थे। ये जीजू है मेरे सबसे बड़े वाले, यानी सबसे बड़े दीदी है ना, उनके हस्बैंड है, और यहाँ पे हम दोनों ही बस बहनें आ रखे थे। और दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे स्टेज पे, गुगू का और डांस स्टार्ट हो रखा था। उनको मतलब नहीं है ज़्यादा स्नैक्स वगैरह खाने से, मैं कितना भी उसे बुलाया जा रही थी, लेकिन वो नहीं आया। लास्ट में वो सो फुल्की, उसको बहुत पसंद है खाना, यानी गोलगप्पे। ठीक है, गोलगप्पे अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग बोलते हैं हर जगह। ये बीच बीच में हमने जो है, उसके बाद डांसिंग स्टार्ट हो गई। आप लोग को पता है सारे गिफ्ट विफ्ट देने के बाद से डांस स्टार्ट होती है, तो मैं और दीदी डांस कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। मैंने इसका वॉल्यूम ऑफ कर रखा, म्यूट कर रखा। आप लोग को पता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है यार बड़ी जल्दी। तो ये जो गाना था वो हरियाणवी गाना था, सपना चौधरी का, आप लोग को पता होगा, जुत्ती पा, कौन सा गाना था और मुझे याद नहीं आ रहा है, मटक चलूंगी, यही सॉन्ग था। तो हम दोनों इस पे यही डांस करते, उसके बाद से फ्लोर पे भी डांसिंग हुई, बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स पे डांस हुए, कितने लोग भोजपुरी वाले भी डांस कर रहे थे। मुझे उतना भोजपुरी मैं बोल लेती हूँ, बट मुझे इतना डांस करने नहीं आता भोजपुरी गानों पे। फिर सबने बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती की। मैं मुझे लगा कि यहाँ पे मैं म्यूट ना करूँ आवाज़, क्यों, बट मुझे करना पड़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने के ना बार बार गुंजाइशें होने लगती हैं। मैंने डाल के भी देखा था एक बार, बट मेरे ब्लॉग पे तुरंत जो है ना कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तब से मैं है बंद कर देती हूँ। और ये रहा खाने का, आगे खाने में देखो मैंने क्या लिया, बस सिंपल सा देखो लिया। यहाँ पे मैंने ना साग लिया हुआ था, साग लिया है, पनीर की सब्जी है और रोटी है। उन्होंने मक्के की रोटी दी थी, बट मक्के की रोटी में बहुत घी था, मैं नहीं खा पाई, मैंने निकलवा दिया और मैंने रोटी मंगा के खाया था। तो हम सारे यहाँ एक साथ ही बैठे थे डिनर करने के लिए सारे लोग। तो यही होता है, मैं शादियों में बस इतना ही कुछ खाती हूँ, ऐसा खाती हूँ कि जो मुझे ज़्यादा नुकसान भी ना करे। पनीर की सब्जी हम नॉर्मली भी खाते हैं, साग बना हुआ था मैंने खा लिया था। खाना पीने खाने के बाद में सब ये जो है सीन है रात का है, सब लोग कपड़े चेंज वगैरह करके ऐसे हम लोग बात बात कर रहे थे, और उसके बाद सोने भी चले गए थे। फाइनली हमने शादी अटेंड किया और हम वापस अपने घर जा रहे हैं। तो होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। लव यू ऑल, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।